को सबसे ज्यादा चाहता है। ये 12 साल का लड़का घर से भागकर सैफई जा रहा था, लेकिन हसरत पूरी ना हो सकी। पहले महाराजगंज से लखनऊ गया, सैफई का रास्ता पूछा और निकल पड़ा नेताजी के गांव को देखने। ट्रेन में अकेला बच्चा देख जीआरपी ने पकड़ लिया, परिवार को खोजा गया और फिर सामने आया सच। इतने छोटे बच्चे को कैसे मुलायम के नाम की धुन लग गई? क्यों नेताजी के लिए जिंदगी दांव पर लगाने चला था 12 साल का नवरत्न। मुलायम सिंह यादव के विराट व्यक्तित्व को लेकर पूरे देश के राजनीतिक लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है। धरती पुत्र के संघर्ष और सफलता की दास्तान पर जितनी बातें बताई जाएं कम है, लेकिन आज जो हुआ है उसने सभी को चौंका दिया। कोई बच्चा जिसे ना अभी राजनीति की समझ है, ना ही जिसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में है, अचानक उसे ऐसा क्या सूझा कि मुलायम की चाहत में घर छोड़कर भाग आया। फिल्मों के लिए घर छोड़कर भागने की कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन किसी नेता के लिए घर छोड़कर भागने की शायद ये पहली और आखिरी दास्तान होगी। महाराजगंज के नौतनवा का रहने वाला नवरत्न यादव सैफई के लिए निकला और कानपुर पहुंच गया। नवरत्न मुलायम सिंह का बड़ा फैन है। जब उसको मुलायम के निधन की जानकारी हुई तो वह घर से बिना बताए इटावा के लिए निकल पड़ा। पहले पार्टी कार्यालय लखनऊ पहुंचा, सैफई की जानकारी ली और फिर ट्रेन से निकल पड़ा। कानपुर में जीआरपी के जवानों ने बच्चे को अकेला देखा तो पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। जब नवरत्न ने अपने मन की बात बताई तो पुलिस भी भौचक्की रह गई। नाम कहाँ के रहने वाले? नौतनवा विधानसभा। हाँ, वहाँ से 50 किलोमीटर हमारा घर है। हाँ। वो हमारा नौतनवा विधानसभा है। हाँ। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे मुलायम सिंह को देखने के लिए। हम तो पता चला कि मुलायम सिंह दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए कपड़ा भी नहीं पहने हैं हम। हाँ। यहाँ से दुरंत हम ट्रेन में बैठे हैं, लक्ष्मीपुर से बैठे हैं, गोरखपुर आए। यहाँ पे बैठे गोरखपुर से नीचे थान पुलिस स्टेशन पे है। अब हम यहाँ दूरापुर से तब लखनऊ आए हैं, उनके ताले आने गए थे। अच्छा, अब यहाँ से छुट्टोगे, कहाँ जाओगे? अब मन चल रहा था जाने के लिए। मुलायम सिंह से, मुलायम सिंह को क्या हुआ? अब एक दुनिया नहीं रहे मुलायम सिंह। मिलने गए थे? हम मिल नहीं पाए, हम तो जला लाखा इटावा पहुँच के। हाँ। हम तो जला लाखा बता दिया, हम यहाँ चांदपुर स्टेशन में चांदपुर आ गए। अच्छा, अब फिर से मिलने जाओगे क्या? अब मिलने जा रहे थे, अब क्या करें, अब घर वाले आ रहे हैं तो रो रहे थे। अभी ने बताया है हम इस साल प्रचारक है, 25 धंधा बांध के साइकिल पे हम प्रचार कर रहे थे। इस टाइम प्रचारक सपा के? हाँ, हाँ। तो पूछ लीजिएगा, हम तो थक जाते हैं। दरअसल महाराजगंज के नौतनवा गांव में रहने वाला नवरत्न मुलायम सिंह यादव का बड़ा फैन है। जब उसको मुलायम के निधन की जानकारी हुई तो वह घर से बिना बताए इटावा के लिए निकल पड़ा था। पहले पार्टी कार्यालय लखनऊ पहुंचा, उसने सैफई का पता पूछा तो किसी ने गलत रास्ता बता दिया। वह लखनऊ से कानपुर पहुंच गया। जीआरपी की पूछताछ में उसने बताया कि मुलायम सिंह यादव उसे जानते थे और वह चुनाव लड़ना चाहता है। बच्चे की बातें सुनकर जीआरपी के सिपाही भी सोच में पड़ गए। बाद में पता लगा कि वह घर से भागकर यहां पहुंचा है। जीआरपी इंस्पेक्टर आरके द्विवेदी ने बताया कि 12 साल का बालक घर से भागा था। उससे पूछताछ करके परिजनों को जानकारी देने के बाद उसे सौंप दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।